सर, आज आपने प्रशासनिक अमले के साथ निरीक्षण किया है अस्पताल का, क्या व्यवस्थाएं दिखी, क्या कुछ नजर आया? आज व्यवस्था देखी, करीबन 150 से ज़्यादा ऑक्सीजन पे है और उसमें काफ़ी लोग सीरियस भी है। डॉक्टर की पूरी टीम मेहनत कर रही है, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है, कोई इसमें इंजेक्शन वगैरह की हम जो कमी पेशी थी उसको भी पूर्ति कर ली गई है। कुल मिला के पेशेंट की सेटिस्फाई है और हम सब ने जो व्यवस्था देखी है बहुत अच्छी है, मेहनत कर रहे हैं और मैं उम्मीद है कि ये जो एडमिट है ये ठीक है। इसके साथ साथ जिस तरह से कल और आज एक साथ जो पेशेंट बढ़ रहे हैं चिंता कर रही है और हम प्रयास कर रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन लाने की भी बात कर रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, बेड बढ़ाने की भी जगह जगह हम वार्ड बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 बेड वहाँ कर रहे हैं, आईटीआई बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल हमने थार हॉस्पिटल को ले लिया है और भी पूरी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी पेशेंट न कोई बेड की समस्या हो, न दवाई की या कोई इंजेक्शन की कमी हो या ऑक्सीजन की कमी हो। इंजेक्शनों में आज कुछ शॉर्टेज है? नहीं, शॉर्टेज कुछ नहीं है, 45 हमारे पास अवेलेबल थी, रात को 50 आई थी, 255 से गाड़ी निकल गई है, अभी जस्ट आने वाली है, तो उसमें 200 आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी? मतलब सरकार पूरी तरह से इसी प्रयास में है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम, ये सारे एक्टिव है, आप देख रहे हो सभी वार्डों में घूम के हमने देखा, सभी एक एक पेशेंट से हम मिले हैं, सभी से बात की है, प्रयास है कि उनको हम ठीक करें और आने वाले दिन अच्छे आवर में जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है आप मास्क का उपयोग करें, घरों में रहें, बाहर नहीं निकले, सरकारी जो ये कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करें, यही हमारा बचाव है और आने वाले दिन बहुत ख़राब है, इसलिए मेरे हाथ जोड़कर बाहर में भी जनता से निवेदन है कि आप बिल्कुल इस कोविड की गाइडलाइन का पालन करें और जितना हो सके घर में रहें और सही हो। थैंक यू। इस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, आज आपने फिर अस्पताल का जायजा लिया है तो क्या व्यवस्था है देखने को मिली है? ऑक्सीजन बेड की सप्लाई उसको मेंशन कर रहे हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट करना मेडिकल टीम मेडिकल की टीम के साथ में लिया है और ईच एंड एवरी वार्ड में विजिट किया, सब एक पेशेंट से बात करी है, उसके जो अभी एडवाइज जो भी जो स्टेटस है उसको चेक किया है और कहीं कहीं ये नज़र आया कि कुछ पेशेंट सीरियस थे, उसके बारे में प्रिंसिपल साहब ने जो टीम को डायरेक्शन दिया और उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, लोगों से बात भी हुई है, वो यहाँ के इलाज से भी संतुष्ट है और जो दूसरी लॉजिस्टिक की जो चीज़ की व्यवस्था है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो, बेड्स की हो, उसको जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर करवाया जा रहा है, इस प्रकार की कमी नहीं आने के लिए। तो सर, संक्रमण जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो कितनी एहतियात बरतने की जरूरत है, लोगों से क्या अपील करें? इसके लिए लगातार हम जो राज्य सरकार के निर्देश है और होम डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है उसका कंप्लेंस रजिस्टर कर रहे हैं, मार्केट में भी हमने 7 से 12 बजे तक की दुकान पर टाइम कर दिया, उसके बाद भी सभी बंद करा रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट है वो रोक रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो कोविड उसको अमल में लाएँ और बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकले और जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना करें ताकि संक्रमण को रोका जा सके।